जी लेंगे हम अब तेरे का पी लेंगे हम। तो दोस्तों फाइनली बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे डिमांडेड एक्टर कार्तिक कारण की एक और अपकमिंग मूवी की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई। जी हाँ दोस्तों, मतलब उस मूवी से रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट मनीष चंद बात करने वाला हूँ कार्तिक आर्यन की एक और अपकमिंग मूवी आशिकी 3 के बारे में नजर डालूंगा, उसकी वजह की सारी अपडेट्स प्रोड्यूसर्स करने वाला उसकी स्टोरी कास्ट रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। मैं दोस्तों आप कार्तिक आर्यन के बिग फैन आते दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं दोस्तों ऐसी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेकर्स इस मूवी से रिगार्डिंग कुछ पोस्टर आउट किए, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मतलब उन पोस्टर्स को देखकर काफ़ी कुछ पता चल जाता है इस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को अनुराग बासु डायरेक्ट करते नजर आने वाला और टी सीरीज इस मूवी को प्रोड्यूस करता नजर आएगा, जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी तो हमेशा की तरह ही इस मूवी की एक रोमांटिक और एक एक्शन स्टोरी होने वाली है, जहाँ पर आपको सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप के अराउंड सारी स्टोरी दिखाई जाएगी। तो ये मूवी उन लोगों के लिए ट्रीट होने वाले जिन्हें रिलेशनशिप्स के अराउंड मूवीज पसंद आती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोमांटिक से भरपूर मूवी होने वाली, जो कि आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में। तो दोस्तों मेकर्स की तरफ से इस मूवी की फीमेल स्टारकास्ट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों मेल में आपको कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आएंगे। और मैं दोस्तों आपको क्या लगता है फीमेल में कार्तिक आर्यन के अपोजिट कौन सी हीरोइन होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। तो दोस्तों मेकर्स ने सिर्फ इस मूवी के अभी तक अनाउंसमेंट करी है। मैं दोस्तों इस मूवी की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन अभी काफ़ी बाकी रह गया है। मैं दोस्तों कार्तिक आर्यन के भी काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद ही आशिकी 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों कुल मिला के मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मूवी आपको 2023 से 2024 तक देखने को मिल सकती है। दोस्तों कोई भी नई अपडेट आएगी इस मूवी के रिलीज डेट से रिगार्डिंग, तो दोस्तों आपको उसी चैनल पर देखने को मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट इस मूवी से रिगार्डिंग। फ्यूचर कोई भी नई अपडेट आएगी इस मूवी से रिगार्डिंग, तो दोस्तों आपको उसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। दोस्तों ऐसी मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।